Assalamualaikum and welcome to World Brush. हमारी आज की वीडियो एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर होने वाली है जिसके बाकी सारी स्पीशीज जो हैं वो कलरफुल है लेकिन वो खुद ब्लैक एंड वाइट है. इतना बेहतरीन, इतना कमाल का शिकारी है कि पानी के अंदर चलती हुई हिलती हुई छोटी सी चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से डाइव लगा के शिकार कर लेते हैं. हमने उसको बहुत हफ्तों की मेहनत के बाद लोकेट करके पानी के अंदर ट्रैप कर लिया है. तो आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है. बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा वाइल्ड फ्रेश. तो अगर आप गौर से देखें तो पानी में फंसा हुआ है हमारा आज का सब्जेक्ट. तो शूज़ों की भी लाजमी बचाना है. हमारा इतना बजट नहीं है कि हम बार बार शूज़ ले सकें. पानी काफ़ी आगे जाके गहरा हो जाएगा. तो ये रहा हमारा आज का खूबसूरत सब्जेक्ट. ओह देखें, इसको पकड़ने के लिए हमने कितने सारे ट्रैप सेट किए थे. सारे के सारे ये ट्रैप हैं, वहाँ भी लगे हुए हैं और कितना बेहतरीन तरीके से ये मेरे ट्रैप में फंसा हुआ है. निकलने का तो कोई चांस ही नहीं बनता. रुको, अभी फ्री कर. ये हो गया हमारा आज का सब्जेक्ट फ्री हो चुका है और इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती. तो जनाब, ये है हमारा आज का खूबसूरत प्यासा सब्जेक्ट. इसको पाइप किंग फिशर कहते हैं, इसको वाटर किंग फिशर भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा आपको पानी के आसपास शिकार करते हुए नजर आएगा. इसका साइंटिफिक नेम सेरोली रूडस है और ये एलसी डेनाइडी फैमिली से बिलोंग करता है. दुनिया में किंग फिशर की 120 के करीब स्पीशीज पाई जाती हैं और पाइड किंग फिशर की 5 के करीब सब स्पीशीज पाई जाती हैं. वो सब की सब इसी फैमिली से बिलोंग करती है. ये एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं. तादाद और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के टॉप 3 किंग फिशर में शामिल हैं. पाकिस्तान में 5 तरह के किंग फिशर्स पाए जाते हैं और ये उन्हीं में से एक है. आप देखें, छोटे देखें कितनी शार्प तेज इसकी चूंच है. इसकी चूंच यहाँ से लेके इसके टेल के एंड तक इसकी लंबाई 9 से 10 इंच के करीब हो सकती है. इसका वज़न 70 से 100 ग्राम के करीब हो सकता है. 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये फ्लाई कर सकते हैं. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप किंग फिशर को बहुत आसानी के साथ पहचान सकते हैं क्योंकि इनकी चूंच और सर का साइज़ जो है इनके जिस्म की नस्बत काफ़ी बड़ा होता है. इनके पंजे जो हैं ये छोटे होते हैं. ये मोनोगमस बर्ड है, वो बर्ड जो ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है एक ही फीमेल के साथ गुजारते हैं. तो मेल और फीमेल को पहचाना बहुत ही आसान है. एक मिनट, फीमेल जो होती है उसके थ्रोट के ऊपर 2 ब्लैक पैच बने होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए नहीं होते. ये देखें, अगर आप देखें, एक पैच ये है और दूसरा इस तरफ है और ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल हेडफोन्स की तरह हैं. और जो मेल होता है उसके सामने थ्रोट के जो पैच होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनकी तादाद 2 होती है. मतलब एक सर्कल आपको ऊपर नज़र आएगा और दूसरा सर्कल छोटा सा लाइन में नीचे नज़र आएगा. तो इनका ब्रीडिंग सीज़न मार्च से लेके नवंबर तक होता है. जगह के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से ये मुख्तलिफ जो है सेशन में ब्रीड कर सकते हैं. कहीं कहीं ये मार्च से लेके मई तक ब्रीड करते हैं और कहीं कहीं जुलाई से लेके नवंबर तक ये ब्रीड करते हैं. ब्रीड करने के लिए ये इस तरह की जगहों पे अपना नेस्ट बनाते हैं जहाँ पे पानी रुका हो, झीलों का पानी रुका हुआ हो, फ्लड का पानी रुका हुआ हो, दरियाओं के किनारे, नहरों के किनारे, इस तरह की गीली और नरम मिट्टी वाली जगहों पर ये अपनी होल्स बनाते हैं. 4 से 5 फिट की इनकी होल्स जो है बोरो हो सकती है. चूंच के ज़रिए मिट्टी को खोते हैं और पैरों के ज़रिए मिट्टी को बाहर निकालते हैं. इनकी 80% होल जो हैं वो फेक होती हैं इस वजह से ताकि शिकारी जो हैं, इनके शिकारी जो हैं धोखा खा सकें. लाजमी नहीं है कि दिन के वक्त अगर आपको ये एक होल में जाते हुए नजर आएँ और रात के वक्त भी ये उधर ही रहते हों. मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी होल 80% फेक होती हैं. अपनी मेन होल के साथ इन्होंने काफ़ी सारी बाकी जो है होल्स बनाई हुई होती हैं. तो इनकी बोरो, इनकी जो होल्स होती है 28 से 32 दिन में तैयार होती है. तो ये दिन में ज़्यादा नहीं खाते. 4 से 5 बार अगर शिकार कर लें तो ये शिकार करने के बाद अपनी होल्स में, अपनी बोरों में चले जाते हैं. इनकी जो बोरो होती है पानी के लेवल से
चार से पाँच फीट की हाइट पे मौजूद होती है और इनकी बोरो जो है बिल्कुल सीधी नहीं होती, इंट्रेंस से थोड़ी सी नीचे नहीं होती, जब इनकी जो इंट्रेंस होती है मेन होल उससे हल्का सा ऊपर की तरफ होती है। तो बोरो नेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद फीमेल जो है 3 से 5 अंडे देती है, जिसमें से 18 दिनों के बाद पिंक गुलाबी कलर के बंद आँखों वाले बच्चे निकलते हैं। उन बच्चों के 4 दिनों के बाद ऊपर पर आना जो है शुरू हो जाते हैं और 9 दिनों के बाद उन बच्चों की आंखें खुलती हैं। बच्चों की बहुत बेहतरीन तरीके से पेरेंटल केयर की जाती है, मेल और फीमेल जो है मिलके बच्चों की परवरिश करते हैं। तो ये कॉर्निवर्स हैं, गोश्त खो रहे हैं, हमेशा आपको पानी के अंदर डाइव लगा के टुबकी लगाते हुए मछलियों को खाते हुए नजर आएंगे, पानी के अंदर पाए जाने वाले छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हुए नजर आएंगे, डड्डुओं को, फ्रॉग्स को खाते हुए नजर आएंगे। अगर इनके प्रेडेटर्स, इनके शिकारियों की बात करें तो स्नेक, स्पेशली कोबरा, मंगोस, नेवले और फैल्कन जो है इनके मेन शिकारी हैं। इंसानों से भी इनको खतरा है, इसलिए क्योंकि ये पानी के आसपास वाली जगहों पे रहना पसंद करते हैं, रहते हैं, और इंसान पानी वाली जगहों पे कचरा फेंकते हैं, मुख्तलिफ तरह के केमिकल जो है वो फेंकते हैं, जिस वजह से पानी के अंदर पाए जाने वाली हशरात जो हैं वो उन केमिकल्स को खाती हैं और वो भी जहरीली बन जाती हैं। तो जब हमारे ये पाइट किंगफिशर उन जहरीली केमिकल वाली चीज़ों को खाते हैं तो ये भी मर जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के प्लास्टिक में, मुख्तलिफ तरह के धागों में ये फंस जाते हैं और उधर ही ये मर जाते हैं। तो इस तरह से इनकी तादाद को ख़तरा हो सकता है। अगर इनके स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, मतलब कि इनकी तादाद को कोई ख़तरा नहीं है, ये 4 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो अब टाइम है इसको रिलीज़ करने का, आज़ाद करने का, लेकिन आज़ाद करने से पहले एक पप्पी भी बनती है और कान के ऊपर इसकी एक बाइट भी बनती है। पप्पी तो मैंने ले ली। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और एनिमल रेप्टाइल बर्ड के साथ, बने रहेगा हमारे साथ और देखते रहेगा वाइल्ड। फिर से पप्पी, 3, 2, 1